एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे। तो गाइज, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जो भी अभी पेपर हुआ रिसेंटली 3 सितंबर को, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले। तो जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मुझे पता लग पाए, उन सभी को मैं आपको रैपिडली सॉल्व करवाने वाली हूँ इस वीडियो में, सो दैट आप समझ पाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपने उनको सॉल्व करना होता है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और उन्होंने एग्जामिनेशन देने के बाद क्वेश्चन शेयर किए, तो बहुत अच्छे से जो है मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पता लग पाए, जिसमें मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व किया है, जिससे आपको एक बेसिक क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी एंड आप अपने आंसर्स भी बिल्कुल मैच कर सकते हो। और साथ ही साथ जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कैसे न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व किया जाता है, उस चीज़ को भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके जब दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि कितना ईजी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल के पे आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड शाम को 5 बजे आपके लिए क्लासेस रहती हैं। क्लासेस की PDF जो है सारी JRFET एप्लीकेशन पे मिलती हैं। मॉक टेस्ट होते हैं तो इन टेस्ट को आप लगा सकते हो बिल्कुल अच्छे से। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस के लिंक्स एंड अपडेट्स मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एंड आप जो भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पेड बैचेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो बैचेज आपके लिए स्टार्टेड हैं। सुपर 100 बैच जो है वो आपके लिए बन रहा है। मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपके लिए पेपर 1 में मैथ्स करवाना है 9 तारीख से, और साथ ही साथ पेपर 2 में बिजनेस फाइनेंस चल रहा है एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने रिसेंटली अभी कल से ही स्टार्ट किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड JRF अड्डा के साथ जुड़ के अपनी स्पीड अप कर सकते हैं, पढ़ाई गियर अप कर सकते हैं और क्वालिटी कंटेंट पढ़ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ना केवल इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बट आगे जाके PhD में भी, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देने वाला है, क्योंकि बिल्कुल टॉप क्वालिटी कंटेंट, डिटेल में बेसिक्स टू एडवांस विद न्यूमेरिकल्स विद एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ आपको पेपर के लिए करवाई जाती है एंड पेपर के अलावा भी आपकी जो नॉलेज डोमेन है वो बहुत ज़्यादा एनहैंस हो जाती है। तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कॉमर्स का बैच चल रहा है, कॉमर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए ओनली पेपर 1 या ओनली पेपर 2 भी आप लेना चाहते हो कॉमर्स का, तो आप जुड़ सकते हो। तो चलिए अभी जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी के सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं इन क्वेश्चंस को हम 1 by 1 यूनिट बाय यूनिट सॉल्व करते चलेंगे। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली हमारी यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आती है, यूनिट 3 से भी इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आपके पास यूनिट 3 इकोनॉमिक्स से न्यूमेरिकल रहते हैं, यूनिट 4 फाइनेंस से न्यूमेरिकल्स आते हैं काफ़ी, एंड साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो हमारी लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 10 टैक्सेशन जो है, वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार हर एक यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से ध्यान से हर चीज़ को देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ने से पहले फटाफट से लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए। एंड आपसे मिलूंगी मैं डेली शाम को 5 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर फीचर से किस तरीके का सवाल था, आपसे बोल रखा है 100 शेयर 10 रुपये का एक है, आपने इस शेयर को क्या किया है, फॉरफिट किया है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 300 रुपये मिले हैं। मतलब 100 शेयर पे अगर मुझे 300 रुपये मिल चुके हैं, इसका मतलब है 3 रुपीज़ पर शेयर मैं कमा चुकी हूँ, है ना। और मैंने क्या किया है, अब 100 शेयर में से 60 शेयर को 9 रुपये एक शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिया है। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वो पैसा जाता है जो आपको शेयर फॉर फ्यूचर को रीइशू करने के बाद प्रॉफिट होता है। अब 10 रुपये का शेयर था, 9 रुपये में आपने इशू कर दिया, 1 रुपये का हुआ डिस्काउंट, आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, और क्योंकि आपको 3 रुपये ऑलरेडी मिल चुके थे जो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, तो यहाँ से आप 1 रुपया निकाल लोगे 3 रुपये में से, तो 60 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, 120 रुपये यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। CVP एनालिसिस का सवाल था, SP 56 रुपये, VC 32 रुपये है, आप डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना चाहते हो 84,000 का, 60,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी, तो 56 में से 32 माइनस करोगे, आपके पास यहाँ पे 24 आ जाएगा, है ना, 24 रुपये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। आपको चाहिए इतना फिक्स्ड कॉस्ट पूरा करना और इतना प्रॉफिट कमाना है,
तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चाहिए जो इसको पूरा कर सके। तो अगर मुझे यूनिट्स निकालनी होती हैं तो मैं क्या करती हूँ, जितना फिक्स्ड कॉस्ट है, जितना डिजायर्ड प्रॉफिट है, डिवाइड कर देती हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। आपके पास यूनिट्स निकल के आ जाएंगी 6000, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि 1:44 को 24 से डिवाइड करेंगे, 6000 यूनिट्स हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा एज इट इज सवाल पेपर में पूछा गया था। और ये भी नया है क्या, ये भी प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। अगर आप 2022 में अगर आपको याद हो, शिफ्ट वन में मेरी शिफ्ट थी, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे इसके, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जब आपके पास यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट होता है तो आप जो प्रॉफिट कमाना चाहते हो वो और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पूरी करोगे, उतना कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास होगा तो ये चीज़ हो पाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके निकलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट, अब फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को पूरा करना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन उतना होना चाहिए। करंट रेशियो आपको दे रखी थी 2:1, इम्प्रूव कैसे होगी, या तो करंट एसेट बढ़ा दो या करंट लाइबिलिटी कम कर दो, क्योंकि करंट रेशियो इज करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। शिफ्ट 2 में क्या है, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, क्रॉस इलास्टिसिटी का और सप्लाई इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, एक इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन याद नहीं है, और उससे रिलेटेड आपको बोल रखा था अगर इतना प्राइस होगा तो कितनी सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने इलास्टिसिटी निकालनी थी। चेंज बताया हुआ था 25 से 35 हुआ है और 5 से 8 हुई है शायद डिमांड, इस तरीके से था। ठीक है, 25 से 35 और प्राइस 25 से 35 हो गया और जो सप्लाई है वो 5 से 8 हो गई। तो यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सेल किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। बट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये जैसे हम बात करते हैं डिमांड में कि चेंज निकालते हैं और बेस से कंपेयर करते हैं, सेम सप्लाई में भी चेंज निकालना है और बेस से कंपेयर करना है। ठीक है, चेंज निकाल के बेस से कंपेयर करना है, होता क्या है कितना प्राइस में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू कितना सप्लाई में चेंज आया। तो यहाँ पे चेंज आया 3 का, पहले 5 सप्लाई थी, यहाँ पे चेंज आया 10 का, पहले 25 सप्लाई थी। अगर इस अकॉर्डिंग हम करें तो 3/5 इंटू 25/10 बनेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे 5 से जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 से जाएगा, डेढ़ इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में डेढ़ था 1.5 यानी कि, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा 1.5। ये क्या है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है कि कितना चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में ओवर बेस क्वांटिटी सप्लाइड और कितना चेंज आया प्राइस में ओवर बेस प्राइस। इसको आप सॉल्व करेंगे 1.5 आपका इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बना था। क्रॉस इलास्टिसिटी से जब हम सवाल देखते हैं तो देखते हैं एक चीज़ का प्राइस लीड्स टू चेंज इन दूसरी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड, उस टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं है। कैसे करते हैं ईपीएस कैलकुलेट, जितना भी ईबीआईटी है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करो, ईबीटी आएगा, ईबीटी में से जो टैक्स है उसको माइनस करो, ईएटी आएगा, जितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना है उसको माइनस करो, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, डिवाइड कर दो किससे, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपके पास जो है निकल के आ जाएगा हमारा अर्निंग पर शेयर। इस तरीके का सवाल जो है आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, ईपीएस कैलकुलेट करना था, ईबीआईटी दे रखा था तो इंटरेस्ट आपके पास होगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग टैक्स माइनस करोगे, और अगर इसको इस तरीके से करना था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से तो कैसे करते, ईबीआईटी आपको गिवन है, माइनस करना है इंटरेस्ट, इसमें 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं दिया था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दिया था तो आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं ये आपको यहाँ पे लेने थे। ठीक है, अगर 2 प्रोजेक्ट का दिया हुआ था, ईबीआईटी सेम दे रखा था, उसमें से यहाँ पे इंटरेस्ट था या नहीं था उसके अकॉर्डिंग करना था, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना था। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके पास क्वेश्चन आता है और आपने सॉल्व करना होता है। दोनों अप्रोचेज मैंने बता दी। कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट आया था सवाल, इंटरेस्ट दे रखा था, टैक्स रेट दे रखा था। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है नॉर्मल तरीके से, मान लो कि 100 रुपये का आपका डेट है ना, एक 7 रुपये का इंटरेस्ट है, टैक्स रेट 30% है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 × 0.7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4.9% जो है आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड करता है नेट प्रोसीड्स कितनी दी हुई थी, मैंने नॉर्मली 100 से लेके कर दी। अब आपको अगर नेट प्रोसीड जितनी दे रखी थी वो देखनी है, अगर यहाँ पे इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी थी तो आपके पास नेट प्रोसीड्स आता। तो अगर बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, तो
तो आप 100 में से 5% यानी कि 5 माइनस करते नीचे 95 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नेट प्रोसीड्स को 100 मान के आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है जो हमारा सॉल्व होता है जब हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी होती है आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन भी आपसे कल पूछा गया। 1 से लेके 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रखा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज अगर आपने अपने मास्टर्स में या बैचलर्स में पढ़ा हो तो एक हमारे पास फॉर्मूला आता है कि लगातार आपको 1 से लेके कितने भी नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये। आपको 1 से 7 बोला हुआ था, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 जाएगा 48, डिवाइड कर दो इसको 12 से, 1/12 होता है, 4 पे चला जाएगा, इसका रूट करना है, 4 का रूट करोगे 2, हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था